हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं. हमारा जो फर्स्ट था कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद में हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था. उसके बाद फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा था. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल्स को भी पढ़ लिया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा राइट्स हैं जो हम इंजॉय करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमने उनको भी डिटेल स्टडी किया था. उसके नेक्स्ट हम लोगों ने जो किया था, वो था फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे टॉपिक उन्होंने जो इस ईयर आपका जो आपके जो सिलेबस है, उसमें नया टॉपिक ऐड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. ठीक है, फर्स्ट हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मींस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें दी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स. जो पॉलिटिकल की लैंग्वेज में चेंज को जो कहते हैं, वो अमेंडमेंट्स होते हैं. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स. अब क्या है कि क्वेश्चन ये आता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उन्होंने काफ़ी वाइजली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया, ड्राफ्ट किया, सब कुछ कंप्लीट किया. हमारे लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी, लाइक हमें फंडामेंटल राइट्स ही हमारे पास नहीं थे, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिली. फंडामेंटल जो अगर हम हमारा जो बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखे, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी. फंडामेंटल ड्यूटीज़ बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई है, पहले नहीं थी. तो हमको फंडामेंटल राइट्स दिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए, हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दिए. ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की आगे फ्यूचर के हिसाब से सोचते हुए उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करी. पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो चीज़ें, मतलब जब हमारे कंट्री को फ्रीडम मिला था, तब से लेके आज तक की जो अगर हम सिनारियों को देखें, तो वो सिनारियों काफ़ी चेंज है. काफ़ी उसमें हो चुका है कि मतलब इकोनॉमिकली वाइज काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, सोशली काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं. इस तरह तब की सिचुएशंस में और आज की सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है. अगर हम अमेरिका का देखें, तो अमेरिका में तो ये कहा जाता है कि जो उनका 18th सेंचुरी में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो आज उनके लिए वैल्यू नहीं करता, क्योंकि 21st सेंचुरी में उनमें इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, इतना डिफरेंस आ चुका है तब के अमेरिका में और आज के अमेरिका में, तो वो लोग उस चीज़ को वर्दी नहीं मानते. पर हमारे यहाँ इतने सारे चेंजेस या इतना अप लेवल तक अभी चेंजेस नहीं आए हैं कि हमारा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हम छोड़ें. हाँ ठीक है, उसमें अमेंडमेंट की नीड जैसे पड़ती रहती है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कुछ चीज़ें हो सकता है उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के माइंड में नहीं आई हो, उन्होंने उस प्रोस्पेक्टस से नहीं सोचा. लाइक अभी हम बताते हैं, जैसे आज का जो कॉम्पिटिशन का जो टाइम पीरियड है, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी एजुकेशन है वो बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो हमारी जो गवर्नमेंट है, उसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया. तो एक नया जो फंडामेंटल राइट दिया उन्होंने, वो दिया राइट टू एजुकेशन 6 to 14 years के बच्चों के लिए. तो जो जो होते हैं, कहते हैं ना, इलिटरेसी वाला प्रॉब्लम हमारे कंट्री में रहे ही नहीं, उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक फंडामेंटल राइट दिया. और उसके बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी एक अमेंड किया और एक 11th ड्यूटी और ऐड करी. फंडामेंटल राइट में इस चीज़ को दिया गया कि एजुकेशन कंपल्सरी है, एंड इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट की एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, और सिर्फ पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वो इस चीज़ से उनको कनेक्ट कराएं. ठीक है, ये चीज़ें उन लोगों ने ऐड कर ली. उसके बाद में जो विमेंस को रिजर्वेशन था, पहले जो हमारा बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें विमेंस को रिजर्वेशन नहीं था. पर कहीं ना कहीं बाद में गवर्नमेंट को फील आया कि अगर उन्हें सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट चाहिए, अगर वो कास्ट वाइज अपलिफ्टमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं विमेंस की पोजीशन को भी अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट जो हम लोगों ने फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें पढ़ी थी, कि कहीं ना कहीं हमारी जो फीमेल्स हैं उनके साथ, वो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इनको रिजर्वेशन दिया. तो इस तरह जो टाइम के अकॉर्डिंग जो सिचुएशंस चेंज होती है, जो सोसाइटी की डिमांड होती है, जो सोसाइटी की नीड होती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो चीज़ें चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर.
ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को चेंज किया। जैसे अभी इन लोगों ने चेंज लॉ में भी कुछ चेंजेस किए थे कि जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के टाइम पे ये बताया गया था कि जो माइनर, जो 18 से जो अब बिलो बच्चे होते हैं वो माइनर कैटेगरी में आते हैं, और उन्हें जो पनिशमेंट दिया जाता है वो माइनर के माइनर कंसीडर करके ही दिया जाता है। पर फिर एक एक पॉइंट उठा उस टाइम पे, निर्भया जब कांड हुआ था उसमें दो जने ऐसे थे, या शायद एक जना ऐसा था जो कि माइनर था, पर उस टाइम पे जो हमारे यहाँ के जो लीडर्स थे उनका थिंक ये था कि कहीं ना कहीं जब कोई लड़का इतना बड़ा मतलब गलत काम कर सकता है, इस चीज़ इतना मतलब इतनी लो मेंटेलिटी पे जाते के इतना मतलब इतना बड़ा वो कर सकता है, क्या कह सकते हैं उसको हम, पनिशमेंट वो कर सकता है, सॉरी पनिशमेंट नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे कि ये इतनी बड़ी जो कहते हैं ना कि क्राइम कर सकता है इतना बड़ा, तो उसके लिए फिर जब 17 ईयर्स या 16 ईयर्स का बच्चा इतना बड़ा क्राइम कर सकता है तो उसे माइनर कंसीडर करना कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब हमें इस चीज़ पे उनको माइनर कंसीडर नहीं करना चाहिए। तब कहीं ना का तब हमारे लॉज में एक अमेंड किया गया और इसकी जो एज थी शायद 16 ईयर्स एज कर दी गई, कि अगर 16 ईयर से अबव का कोई भी मतलब 15 to 16 ईयर्स के बच्चे भी अगर इस तरह का क्राइम किया करते हैं तो उन्हें जो पनिशमेंट दी जाएगी वो मेजर के अकॉर्डिंग दी जाएगी, उन्हें माइनर कंसीडर करके पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे अमेंडमेंट्स क्यों हुए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इन सब चीज़ की नीड हुई। पहले शायद रेप होते थे या फिर ये कह सकते हैं कि उनका जो रेट था वो कम था, अब जो जो रेप की जो रेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लगा कि सोसाइटी में इस चीज़ की नीड है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस चीज़ को चेंज किया। ठीक है, तो ये जो चीज़ें चेंज होती है मतलब सोसाइटी में जो भी चीज़ें चेंज होती हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जब बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने की नीड आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 368 है वो हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट को परमिशन देता है जो बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करने की, पर उसमें ये चीज़ें ज़रूर है कि आप उन वैल्यूज़ को नहीं छोड़ सकते, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वॉलेट नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर किसी भी मतलब कोई भी लॉ बनाया, कोई भी अमेंडमेंट हुआ, तो उसकी वजह से जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉलेट नहीं होने चाहिए, जो कुछ मतलब इस चीज़ का ध्यान रख के ही ये अमेंडमेंट किए जाने चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि अमेंडमेंट तीन टाइप से होता है। फर्स्ट सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी की ठीक है पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया गया, और वो बिल प्रेजेंट होने के बाद में क्या हुआ कि वो बिल प्रेजेंट होने के बाद में एक मेजोरिटी हुई और वो बिल पास हो गया। ठीक है, सेकंड आता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी 2/3 पार्ट की होती है। थर्ड इज बाय स्पेशल मेजोरिटी विथ रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी और जो हाफ ऑफ स्टेट्स हैं उनसे भी इस चीज़ का उनके साथ में भी इस चीज़ को रेक्टिफाई किया जाए। ठीक है, इनके साथ में ये चीज़ें होती हैं। अब आता है, ठीक है हमने इसकी बात कर ली अमेंडमेंट की, पर अमेंडमेंट का एक प्रोसीजर होता है। अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होता है कि हमारे दो हाउसेज होते हैं, जैसे हम कहते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो हाउसेज होते हैं। इन दोनों हाउसेज में से जो कोई भी एक हाउस एक बिल लाता है, वो बिल लाया जाता है पार्लियामेंट में लाया जाता है, मतलब दो इंट्रोड्यूस किया जाता है उस बिल को। बिल को इंट्रोड्यूस करने के बाद में उसके ऊपर क्वेश्चनिंग होती है, पार्लियामेंट उस पर डिस्कस करती है उसके प्रॉस से, उसके कौन से सोसाइटी पे इम्पैक्ट से, कहीं किसी राइट को कोई राइट वॉलेट तो नहीं हो रहा है उससे, मतलब इस तरह बहुत सारी चीज़ों पर वो डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि इस बिल को पास किया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के, ये जब दोनों हाउसेस के थ्रू जब ये पास हो जाता है, 2/3 मेंबर की मेजोरिटी मिलना, इससे कम मेंबर्स की मेजोरिटी पे ये बिल पास नहीं हो सकता। 2/3 मेंबर जब तक वो करेंगे मतलब वो मेजोरिटी देंगे उस चीज़ के लिए, उसके फेवर में वोट करेंगे, तब जाके ये चीज़ हो पाएगी। उसके बाद में जब दोनों उससे ये बिल पास हो जाता है, दोनों हाउसेस से जब ये बिल पास हो जाता है, तब इसे प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट फिर इसको
असेसमेंट करता है और इस बिल को, फिर ये बिल जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे निर्भया कांड, हम उसी पे बात करते हैं, हमने लास्ट उसी का एग्जांपल लिया था, निर्भया का, निर्भया वाला जो केस हुआ था उसके अंदर ठीक है पनिशमेंट मिल गई, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू उनको पनिशमेंट दी गई थी। पनिशमेंट देने के बाद में एक पॉइंट ये था कि जब एक माइनर बच्चा इतना बड़ा क्राइम कर सकता है तो क्या माइनर को माइनर कंसीडर करके ही पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आया, चलो ठीक है उनकी पनिशमेंट के बाद में, पहली बात हमने पहले पढ़ा था जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तब हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि किसी भी पर्सन को उसके एक क्राइम के बदले, मतलब एक ही बार पनिशमेंट दिया जा सकता है, वापस पनिशमेंट पॉसिबल मतलब नहीं दिया जा सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है हमारे चीज़, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ बताई गई कि ठीक है, उसके बाद में ये बिल आया कि इस बिल के आने के बाद में क्या हुआ कि ये बिल आया पार्लियामेंट में, ये बिल प्रेजेंट हुआ कि ये चीज़ माइनर में कंसीडर नहीं करनी चाहिए, इनको मेजर में कंसीडर करनी चाहिए, और इसको पास करवाया गया कि मतलब इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सॉरी हाँ, इसको दोनों जो हाउसेस थे उन लोगों ने इसको पास किया। पास करने के बाद में क्या हुआ कि ये प्रेसिडेंट के पास में गया, और प्रेसिडेंट के पास में जाने के बाद में जब प्रेसिडेंट ने इसे असेसेंट कर दिया तब जाके ये क्या हुआ, ये बिल अमेंड हुआ, ठीक है। ये अमेंडमेंट होना मतलब ये पूरा प्रोसीजर होता है। अब प्रॉब्लम ये आती है, अगर ये नहीं हो तब क्या करेंगे, मतलब अगर नहीं कर पाए कि इसने कर दिया कि नहीं, मतलब कि एक सदन से जब ये पास नहीं हो रहा, जनरली हम लोग नोटिस करते हैं जिसकी गवर्नमेंट होती है ना उस, वो इस इन बिल्स को पास करवा ले बहुत आसानी से, उनके पास में ये बिल पास हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पास होने का रीज़न ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो ऑलरेडी वो मतलब क्या कहते हैं, जो गवर्नमेंट होती है वो ऑलरेडी मेजोरिटी पे होती है, ठीक है। अब एक कंडीशन आती है कि अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए बिल लाया जाता है, तो क्या इस बिल को किसी की परमिशन की ज़रूरत होती है? नहीं, बिल को किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो मतलब डायरेक्टली पार्लियामेंट में लाया जा सकता है। और जो मेजोरिटी चाहिए होती है, मतलब ये जो बिल पास होना चाहिए वो दोनों हाउसेस से सेपरेट सेपरेट पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक एक से पास हो गया और दूसरे से नहीं पास हुआ, नहीं होगा। इसके अंदर मतलब जो रहेगा, मतलब कि जो क्या कहते हैं इसको, मतलब दोनों जो हाउसेज हैं उनके लिए ये चीज़ मतलब इजीली मतलब वो हो जानी चाहिए कि पास हो जानी चाहिए। अब एक पॉइंट ये आता है कि हमारा जो जो आर्टिकल नंबर 108 है वो हमें एक जॉइंट सेशन की परमिशन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है। इसके अंदर एक पॉइंट ये आ जाता है कि जॉइंट सेशन किस कैटेगरी किस कंडीशन में, अब चलो ठीक है कोई अमेंडमेंट से रिलेटेड बिल आया, बिल आने के बाद में क्या हुआ कि माना कि एक हाउस ने उसे वो कर दिया, मतलब राज्यसभा ने उसे पास कर दिया, लोकसभा ने उसे पास नहीं किया, तब क्या होगा उसका, क्या वो रुक जाएगा? एग्जैक्टली, वो रुक जाएगा। अगर कोई नॉर्मल बिल होता है ना, अमेंडमेंट बिल नहीं होता, नॉर्मल बिल होता है, तब तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट होता है उनके पास पावर होती है कि वो आर्टिकल 108 के अंडर नॉर्मल बिल्स में क्या करते हैं कि दोनों हाउसेस के मेंबर्स को एक साथ कनेक्ट मतलब बुलाते हैं, एक सेशन लेते हैं एंड उसमें इससे रिलेटेड बात की जाती है। पर अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है कि मतलब जो अमेंडमेंट रिलेटेड जो बिल होगा उसमें जॉइंट सेशन नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड आ जाता है कि क्या मतलब बिल पे प्रेसिडेंट का साइन करना कंपलसरी होता है क्या, है ना? तो उसके अंदर यस, बिल पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मैंडेटरी हो जाते हैं। इसके अंदर जो अमेंडमेंट जो बिल होते हैं उसके अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो वीटो पावर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है,
अब कहा जाता है कि ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि पहले फर्स्ट हाउस से पास कराओ, फिर सेकंड हाउस से पास कराओ, फिर प्रेसिडेंट इसको पास करे, मतलब तीन ये मेजर स्टेप्स आ जाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अमेंडमेंट करना है वो मुश्किल है हमारे बिल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे, पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना उतना भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब तक टिल डेट तक हमारे यहाँ जो टोटल अमेंडमेंट हुए हैं वो हमारे टोटल अमेंडमेंट हुए हैं इस 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं अब तक हमारे, ठीक है। अब शुरू होते हैं कि आखिर ये अमेंडमेंट हुए कब कब हैं। जो हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट स्टार्ट हुआ था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, वो हमारा हुआ था 1951 में, मतलब 1951 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट स्टार्ट हुए थे। सेकेंड हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1952 में। थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो हमारा हुआ था 1954 में। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा हुआ था 1955 में। और फिर फिफ्थ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था वो भी हमारा 1955 में ही हुआ था। उसके बाद में हमारा जो सिक्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो हमारा हुआ था 1956 में। सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेवन्थ हुआ था, सेवन्थ मतलब हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ था वो 1955 में हो गया था, सिक्स्थ और सेवन्थ था वो हमारा 1956 में हुआ था। फिर 56 से लेके 60 तक हमारे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। एट्थ जो हमारा मतलब 56 से लेके 59 तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। 1960 में आके हमारा एट्थ अमेंडमेंट हुआ, और फिर 1960 में ही हमारा नाइन्थ अमेंडमेंट हुआ। मतलब फोर्थ और फिफ्थ किस ईयर में हुए थे हमारे, फोर्थ और फिफ्थ हमारा हुआ था 1955 में, सिक्स्थ और सेवन्थ हुआ था हमारा 1956 में, और उसके बाद जो सेवन्थ था वो हमारा 56 में हुआ, और उसके बाद में एट्थ और नाइन्थ फिर हमारा 1960 में हुए थे। दोनों अमेंडमेंट हमारे किस में हुए थे, 1960 में। फिर टेंथ और एलेवेंथ हमारा 1961 में हो गए थे, मतलब दोनों जो थे वो किस में हुए थे, 1961 में हुए थे। उसके बाद में हमारा ट्वेल्थ और थर्टीन फोर्टीन, ये तीनों अमेंडमेंट हमारे किस में हुए थे, 1962 में हुए थे। फिर हमारा फिफ्टींथ और सिक्सटीन्थ जो अमेंडमेंट था वो हमारा 1963 में हुआ था। फिर हमारा 17 अमेंडमेंट 1964 में हुआ था। फिर 1965 में हमारे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था। 18th अमेंडमेंट हमारा 1966 में हुआ था। फिर 1966 में हमारे तीन अमेंडमेंट्स हुए थे, 18, 19 एंड 20 जो अमेंडमेंट्स हुए थे वो हमारे हुए थे 1966 में। फिर 20th अमेंडमेंट हमारा 1966 में हुआ। फिर 21st जो हमारा अमेंडमेंट था वो 1967 में हुआ था, ठीक है। फिर 22nd जो था वो हमारा 1969 में था, और 23rd भी हमारा 1969 में था। फिर 1979 में हमारा हुआ था 24th, 25th एंड 26th, 27th, मतलब चार जो अमेंडमेंट्स थे वो हमारे कब हुए थे, 1971 में। फिर 1972 में हमारा हुआ था 28th हुआ था, और 29th एंड 30 जो हमारा हुआ था वो हमारा 1972 में हुआ था। फिर हमारा हुआ था 31st जो हमारा हुआ था वो 1972 में, मतलब कौन कौन से हुए हमारे 1972 में, 28, 29, 30 एंड 31st, ये हमारे 72 में हुए। उसके बाद में 23rd जो अमेंडमेंट था वो हमारा 73 में हुआ। 32nd 1973 में, 32 जो था वो 73, 33 हमारा 74 में, 34 भी 74 में, 35 भी 74 में। देन 36 हुआ था हमारा 1975 में, 37 हमारा हुआ था 1975 में, 38th हुआ था हमारा 1975 में, 39th हमारा हुआ था 1975 में। इसके बाद में 40th हुआ था हमारा 1976 में, 41st हुआ था 1976 में। फिर 42nd एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट था हमारे, इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो इसी अमेंडमेंट के अमेंडमेंट में ऐड की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर हुआ था 43rd 1977 में, 44th हुआ था 1978 में, 45th हुआ था 1980 में, 46 1982 में, 47 हुआ था हमारा 1984 में, फिर 48 भी 1984 में, 49 भी 1984 में, और 50th भी हमारा 1984 में, 51 हमारा 1984 में हुआ था। फिर 52 जो था वो 1985 में हुआ। फिर 56 50
54, 55 ये तीनों हमारे 1986 में हुए, फिर 57 56 57 एंड 58 जो हमारा हुआ था 1987 में हुआ था, फिर 59 60 सिक्स 59 एंड 60 88 में, फिर 60 यस 64 61 एंड 62 हमारा 89 में हुआ, 63 भी हमारा 89 में हुआ, 64 हमारा 90 में हुआ, 65 90 में हुआ, 66 90 में हुआ, 67 90 में हुआ, 68 हमारा 91 में हुआ, 69 हमारा 91 में हुआ और 70 हमारा 92 में हुआ, 71 92 में हुआ, 73 92 में हुआ, 74 92 में हुआ, 75 92 में हुआ, सॉरी 74 हमारा 92 में हुआ, 75 हमारा 94 में हुआ, 76 हमारा 94 में हुआ, 76 हमारा 94 में हुआ, 77 हमारा 95 में हुआ, 77 78 दोनों हमारे 95 में हुए, फिर आता है 79 हमारा जो हुआ था वो हुआ था 99 में, और उसके बाद में हमारा हुआ था 80 81 82 83 83 यहाँ तक हमारे 2000 में हुए, फिर 2001 में हुआ 84 85 86 86 ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ओके, एंड 87 हमारा 2003 में हुआ, 88 हमारा 2003 में हुआ, 89 हमारा 2003 में हुआ, 90 हमारा 2003 में हुआ, 91 2003 92 2003 93 इज 2005 94 इज 2006 95 इज 2009 96 इज 2011 मींस 2010 में हमारे कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, फिर 97 2011 98 2013 99 2014 एंड 100th जो हमारा अमेंडमेंट था वो हमारा था 2015 में, उसके बाद 101st हमारा 2016 हुआ जिसमें हमारा GST ऐड किया गया, उसके बाद में जो 102nd जो था वो 2018 में हुआ एंड 103rd जो हमारा हुआ वो 2019 में हुआ एंड लास्ट जो हुआ हमारा जो लास्ट अमेंडमेंट 104th अमेंडमेंट था, ये हमारे अमेंडमेंट के ईयर्स थे, अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।